और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ये देखकर कि कौन हमारे लिए हमारे हितों का काम करेगा। और जनता ने दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को चुना कि ये भ्रष्टाचार मुक्त एक हमें जो है सरकार मिली है और हमारा जो है विकास करेगी, और वो उस कार्य पर खरी उतर भी रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिल्ली सरकार के पास जो है कोई भी जो है अधिकार जो है नहीं है, और जो कुछ थे भी थोड़े बहुत अधिकार जैसे ACB था, एंटी करप्शन ब्यूरो था, वो भी जो है केंद्र सरकार ने छीन लिया। अब यहाँ कोई भी कार्य है, अगर कोई भी अच्छा कार्य दिल्ली सरकार करना चाहती है तो उसके लिए जो है LG से परमिशन लेनी पड़ती है, और LG जो है केंद्र सरकार जो भाजपा है केंद्र सरकार में उसके अधीन काम करता है, तो वो एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो काम करने ही नहीं देना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार को। उन्हें ये डर है कि वो जो उनकी जो राजनीति है धर्म की, जाति की, भेदभाव की, वो ख़त्म हो के लोगों की समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, विकास ही सब कुछ है। अगर हमारा विकास होगा, हमारा हम संपन्न होंगे, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें जो है खुशहाली मिलेगी और अमन शांति मिलेगी, तो ये उस चीज़ को नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर दिल्ली सरकार ने ऐसा अपना काम कर दिया तो उनका जो सत्ता है ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए कोई भी जो है दिल्ली सरकार कोई अच्छा कार्य करती है, अभी जो है डोर स्टेप डिलीवरी है राशन की, उस पर रोक लगा दी। पहले 20 जो है सर्टिफिकेट्स जो है जिनके लिए पब्लिक को धक्के खाने पड़ते थे, दफ्तरों में जाके अपना टाइम ख़राब करना पड़ता था, उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने जो है कोई भी जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे आएगा जो है प्रतिनिधि, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा और आपका सर्टिफिकेट बन के घर आए, उस पर भी रोक लगाई। मोहल्ला क्लिनिक्स है जिससे लोगों को जो है आसपास में इलाज मिल सके, सुविधा मिल सके, उनके लिए जगह नहीं दे रही है। अभी क्या है कि जो IS रोबी को हमारे खिलाफ़ खड़ा कर दिया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कि जो है इनको काम करने से रोका जाए, और 3 महीने हो गए हैं कोई भी प्रशासनिक अधिकारी काम पे नहीं आ रहा है। LG ने अब तक कोई दखलअंदाजी नहीं की है, कहीं आज तक इतिहास में ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है एक दिन से भी ज़्यादा कभी हड़ताल किसी ने करी हो। तो यहाँ पर पूरी की पूरी मनमानी तानाशाही चल रही है, पूरा का पूरा मतलब यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया है यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये जो है LG सिस्टम ख़त्म हो, या फिर इसका दिल्ली सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, इसे जो है दिल्ली राज्य को ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर क्या मतलब है दिल्ली राज्य का, जब दिल्ली राज्य के पास कोई अधिकार ही नहीं है, वो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है, हमारे मताधिकार का कोई जो है हमें जो है उसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। बस ये मैं कहूँ।